अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। सब अपने घरों में ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है एवोकाडो एंड बनाना योगर्ट, जो कि बहुत ही इजी है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको शुरू में मेंशन कर दिए हैं, आप ज़रूर देखिए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। ये बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट है, मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ और आप ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बनाना तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमने इन तीनों को ब्लेंड कर देना है एक ब्लेंडर मशीन में डाल के। ये है योगर्ट्स, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने हनी जो है इसमें हमने टेस्ट के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो हनी डाल ले ऊपर से। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। आपने इसको बनाने के बाद इसको अच्छी तरह आपने शेक करना है ताकि कोई भी पीस जो है वो अंदर ऐसे ना रह जाए, वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से आपने शेक करना है और फिर इसको शेक करने के बाद आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़े की ये एक क्विक रेसिपी है, क्विक ब्रेकफास्ट है। ये 6 प्लस मंथ्स के बच्चों के लिए है, जो आप ईज़िली आप इनको ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। ओके जी, आपको ये ज़रूर रेसिपी पसंद आई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मैं और भी आपको एवोकाडोज़ की रेसिपीज़ बताऊंगी, जो कि बहुत इजी हैं और बहुत मज़े मज़े के फ्रूट्स से स्मूदीज भी बताऊंगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।